हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो IBPS ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम समय अपना वेस्ट करें। तो अभी से जो घोड़े की रेस से दौड़ेगा, यानी कि जो स्पीड से दौड़ेगा और स्मार्ट वर्क करेगा और इसके साथ साथ अपनी इंग्लिश पे पकड़ बनाएगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्यूरेशियल होने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे हम निगेटिव वे में लें, डर जाए, घबरा जाए, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको बस अपना प्रिपरेशन करते रहना है। तो आज मैं आपको द हिंदू का एक एडिटोरियल एनालिसिस करके दिखाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि दीदी आप अच्छा पढ़ाते हो। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम की कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं अब ज़रूर एक दिन के अल्टरनेट पे ही सही मैं एडिटोरियल की क्लास ज़रूर लूँगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप एडिटोरियल से पता है अपनी ग्रामर भी सही कर सकते हो, अपनी ग्रामर भी सही कर सकते हो और करेंट अफेयर्स भी सही कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, वो कैब आप जो भी याद करो ना, वो कैब वो आप एडिटोरियल का ही याद करो या फिर न्यूज़, या तो आप न्यूज़ पढ़ो या तो आप एडिटोरियल पढ़ो, ज़रूरी नहीं आप एडिटोरियल पढ़ो। तो वो कैब आप जैसे कि आपको इस इन सारे में अगर कोई वो कैब नहीं समझ में आता है तो उसे नोट डाउन करना है, किसी का दिया हुआ वो कैब का PDF याद रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। हर दिन 2 घंटे या तो न्यूज़ पढ़ो या तो एडिटोरियल पढ़ो, और जो वो कैब लेटेस्ट रहते हैं वही हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं। एन इम्पार्शियल इंक्वायरी इन टू अ पोलिटिकली कंटेस्टेड इंसिडेंट इज़ ऑलवेज वेलकम, यानी कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो जिसमें पोलिटिकली रंग हो उसमें अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी किया जाए, यानी कि बिना भेदभाव के, बिना पार्शियलिटी के अगर इंक्वायरी की जाए उस घटना की, तो वो क्या होता है, हमेशा एक वेलकम मूव होता है, यानी कि वो हमेशा एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, इंक्वायरी के साथ हमेशा इनटू, आप लोग बोलते हो ना दीदी फ्रेज कैसे याद करें, यही आपके आते हैं फ्रेज जो आपके लेटेस्ट चलते हैं, है ना। तो इंक्वायरी के यहाँ से हमें एक क्या चीज़ मिला कि अगर हमें कहीं भी इंक्वायरी दिखा तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, इनटू लगेगा, ठीक है। पोलिटिकली कंटेस्टेड इंसिडेंट इज़ ऑलवेज वेलकम, ओके। यहाँ पे ऑलवेज किस इज़ किस लिए लगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, इम्पार्शियल इंक्वायरी है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान देते चलेंगे। अर्लियर दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कॉन्वे, अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ एपोस्ट्रॉफी का भी एरर आता है, तो कॉन्वे, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे कि एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है। देखो मोदी, मोदी कॉन्वे, कॉन्वे यानी कि मोदी का जो एक गुट जा रहा था, मोदी गुट, ठीक है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे क्या है, मोदी, नरेंद्र मोदी का कॉन्वे, तो जब का सेंस आ जाए ना तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, मोदीज कॉन्वे, ओके। आई होप से सही है, क्योंकि कई बार हमारा एरर देखने को मिलता है एपोस्ट्रॉफी का भी, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि का अगर सेंस आए, जैसे राम किताब, तो राम बुक नहीं लिखोगे ना आप, राम बुक, आप क्या लोगों, राम की किताब, का की, तो राम्स बुक लिखोगे ना, वही सेंस मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कॉन्वे वाज स्ट्रैंडेड ऑन अ फ्लाईओवर, वाज किस लिए लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि जो उनका कॉन्वे है वो जो फ्लाईओवर पे रोका गया था या फिर रुक गया था, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। वाज स्ट्रैंडेड ऑन ए फ्लाईओवर नियर फतेहपुर इन पंजाब फॉर अबाउट 20 मिनट, यानी कि मोदी जी का जो कॉन्वे था वो पंजाब में के फतेहपुर में लगभग 20 मिनट तक रोका रहा, कहाँ रुका रहा, ऑन अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, एक तो हम ये सोचेंगे कि आखिर यहाँ पे इन क्यों आया पंजाब के आगे। तो देखो जब भी बड़े एरिया की बात हो, पंजाब एक स्टेट की बात है ना, तो इस वजह से यहाँ पे ऐट ना आके क्या आया, इन आया, क्या आया, ऐट ना आके यहाँ पे इन आया, ठीक है। फॉर के लिए अबाउट, अब मैं सोचूंगी कि मिनट्स क्यों हुआ, मिनट क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि जब भी एक से ज़्यादा डिजिट हो, जैसे 2, 3, 4, 5, जैसे मैं बोलूँ 1 एप्पल तो हमेशा सिंगुलर आया ना, वैसे ही मैं बोलूँ 2 एप्पल्स तो
एप्पल की संख्या बढ़ गई ना, यानी कि डिजिट अगर 1 से ऊपर हो गया तो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, समझ रहे हो ना आप लोग बात, ठीक है। तो इस मंथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग के इस मंथ में मोदी जी का कॉन्वे एक फ्लाई ओवर के ऊपर रुक गया था, कहाँ पे, फिरोजपुर में। तो एक चीज़ मैं ध्यान दूंगी कि फिरोजपुर और पंजाब यानी कि अभी न्यूज़ में है, तो फिरोजपुर और पंजाब में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या भी कुछ फेमस है तो वो मैं याद करूँगी, ओके। ट्रीटिंग दिस एज अ सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, इसे क्या करते हुए, एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स ट्रीट करते हुए। अब आप ये बोलोगे दीदी आखिर ING फॉर्म से क्यों स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो देखो जब भी वर्ब को में ING लगाया जाता है, ठीक है, तो जब भी वर्ब को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसको बनाने का तरीका होता है ING। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। अब आप देखो स्मोक यहाँ पे क्या होता है, वर्ब है ना। अब आप ये सोचोगे कि वर्ब कैसे पहचाने, बहुत ही सिंपल तरीका, अगर किसी वर्ड में कोई मेहनत छुपा हो या फिर कोई एनर्जी लग रही हो, जैसे धूम्रपान करोगे तो एनर्जी तो लगेगी ना, ठीक है, तो एनर्जी लगता है किसी वर्ड में तो वो हमेशा वर्ब होता है। जैसे दौड़ना रन, रन में एनर्जी लगा, खाना ईट एनर्जी लगा, सोना स्लिप एनर्जी लगा, ठीक है, तो वो सारे वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और जब इनको सब्जेक्ट के तौर पर लगाया जाए तो उनमें ING जरूरी होता है। जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, समझ रहे हो मेरी बात, जीरंड को भूल जाओ, बस इतना समझो कि अगर वर्ब है उसको वर्ब नाउन की तरह यूज़ करना है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो हमेशा ING फॉर्म में ही होता है, ठीक है। इसलिए ट्रीट मतलब ट्रीट करना, तो ट्रीट वर्ब हुआ ना और यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, इसलिए इसमें ING लगाया गया है। ट्रीटिंग दिस एज अ सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, इसे क्या करते हुए, एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स की तरह देखते हुए। एंड टेकिंग नोट, और लेते हुए, देखो फिर टेक आया ना, टेक मतलब लेना, फिर इसको नाउन की तरह यूज़ किया, सॉरी वर्ब की तरह यूज़ किया गया ना, सॉरी मतलब स्टार्ट करने के लिए सेंटेंस को यूज किया गया ना, इस वजह से यहाँ पे ING लगा। और दूसरा वजह ये है कि एंड से अगर कोई सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो यहाँ पे पैटर्न होता है वही उसके सेकेंड सब्जेक्ट का भी पैटर्न होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। टेकिंग नोट ऑफ द पोटेंशियल फॉर पार्टीशन इंक्वायरी, ठीक है, मतलब ऐसा इस जो ये घटना हुई उसको एक ऐसी इंक्वायरी जिसमें पार्टीशन नहीं की जाए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है। देखो आप सुप्रीम कोर्ट के आगे आर्टिकल द लगा, तो मैं हमेशा याद रखूँगी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट आएगा आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। हैज़ अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, इट्स किसके लिए लगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फॉर्मर जज जस्टिस इंदूर मल्होत्रा को अपॉइंट किया है टू लीड एन इंक्वायरी, किस लिए अपॉइंट किया है, एक इंक्वायरी को लीड करने के लिए। अब इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है, क्योंकि मतलब अच्छा सेंटेंस है ये। देखो क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड इट्स अपना, तो सुप्रीम कोर्ट ना तो मेल है ना तो फीमेल है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगा, इट्स लगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट ना तो मेल है ना तो फीमेल है, इसलिए यहाँ पे इट्स लगा। अपने फॉर्मल जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा को एक इंक्वायरी के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अदर मेंबर्स, अब देखो अदर आया ना, तो अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, ठीक है, अदर के साथ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ अदर मेंबर्स, अगर मैं गलत हूँ तो वो भी आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अदर के साथ हमेशा नाउन प्लूरल ही लगता है, ठीक है। ऑफ द प्रोब कमिटी कंप्राइज, ठीक है, जो अदर मेंबर है प्रोब कमिटी के, उनमें और कौन कौन है, कंप्राइज मतलब कौन कौन, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो एक चीज़ मुझे फटाक से दिमाग में आएगा कि कंप्राइज, जब भी कंप्राइज आया तो उसके साथ हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और जब भी कंजिस्ट आया दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन इसके साथ हम ऑफ का यूज़ करेंगे, तो अगर कंप्राइज आया नो ऑफ, कंजिस्ट आया विद ऑफ, ठीक है।
कंप्राइज द डीजीपी ऑफ चंडीगढ़, तो जो कमेटी है उसमें और कौन कौन से मेंबर है, तो डीजीपी ऑफ चंडीगढ़ है और सीनियर ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब एक सीनियर ऑफिसर है किसके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हैं, और एडिशनल डीजीपी ऑफ पंजाब है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन है, एंड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित किया है इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए, और उसको कौन लीड करेंगे, इंदु मल्होत्रा। यहाँ से करंट अफेयर्स ये बना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी गठित किया है, जो मोदी सर गए थे उनके कन्वे को रोकने के लिए रोका गया था या फिर रुका था, ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा, क्रिएट करते हैं। उस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं, इंदु मल्होत्रा, ठीक है। और यही मेन है, इसके अलावा ये सारे करेंट अफेयर्स में नहीं बनते हैं, मतलब जो लीडर होता है वही मेन होता है, ठीक है, ओके। द कोर्ट ऑफिशियल हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड द रिकॉर्ड्स, यानी कि जो कोर्ट ऑफिशियल है, यानी कि ये सारे लोग जो हैं उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड को क्या कर लिया है, सिक्योर कर लिया है, मतलब इकट्ठा कर लिया है, टू द प्राइम मिनिस्टर टूर प्रोग्राम ऑन डैट डे, मतलब उस दिन। अब उस दिन यानी कि एक दिन की बात हो रही है ना, ये इसलिए यहाँ पे डैट डे लगा, दोज डे नहीं लगा, ठीक है। यानी कि उस दिन जो घटना हुई थी उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल ने ऑलरेडी क्या किए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं। वन होप्स, यहाँ पे वन मतलब एक, और होप्स यहाँ पे होप, इसलिए यहाँ पे होप्स लगा। द प्रो विच हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड ओनली टू अवॉइड वन साइडेड इंक्वायरीज, मतलब कोई भी होप करता है कि जो ये कंस्टिट्यूट किया गया है, जो ये पैनल बनाया गया है, वो किस लिए बनाया गया है, टू अवॉइड वन साइडेड इंक्वायरीज एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मतलब कोई भी ये उम्मीद करता है कि इससे क्या होगा कि एक वन साइडेड इंक्वायरीज जो होगी वो आइदर या तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसे हम अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे आइदर आया ना, इसके साथ हम क्या करेंगे, और लगाएंगे, देखो ये और हुआ ना, ठीक है। तो ये हमें भी और याद आया कि आइदर के साथ हमेशा और लगता है। विल गिव अ, ठीक है, विल गिव अ क्विटस टू द रेगिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, यानी कि ये क्या करेगा, मतलब विराम देगा, क्विटस मतलब विराम देना, जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है उसको, ठीक है। नन विल डिसएग्री, मतलब कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा, दैट कि वंस द मैटर वाज टेकन टू द एपेक्स कोर्ट, एक बार जब इस मैटर को एपेक्स कोर्ट में ले जाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाज टेकन क्यों हुआ, अब आप बोलोगे ना वाज टेक क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन होता है ना। देखो, कोई भी काम जो खुद से हो वो एक्टिव में, और जो काम खुद मतलब किसी और के द्वारा, जैसे मैटर जो है वो खुद चल के तो एपेक्स कोर्ट में नहीं गया, उस मैटर को ले जाया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे V3 का फॉर्म यूज हुआ। ओनली एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर ऑफ दिस नेचर विल स्टीर क्लियर ऑफ पार्टीशन पॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी ये होप करता है कि अगर इस मैटर को एपेक्स कोर्ट में ले गया गया तो इसका जो इंक्वायरी होगा वो बिना पार्टीशन पॉलिटिक्स के होगा, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंसिडेंट्स इमर्जिंग एज एन, एक सेकेंड इसको पहले मैं हटा दूँ, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ, बैकड्रॉप मतलब होता है कि एक पृष्ठभूमि, एक ढांचा तैयार करना, ऑफ द इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट क्या हो रहा है, इमर्जिंग एज एन एक्सप्लॉइटेबल इशू इन द इलेक्शंस ऑफ द फाइव स्टेट असेंबलीज, मतलब कि इसको एक पार्टीशन पॉलिटिक्स की तरह इसको किया जाएगा इंक्वायरी के द्वारा, ताकि मतलब कि ऐसी इंक्वायरी, जैसे कि अभी फाइव स्टेट असेंबलीज में चुनाव होने वाला है, तो इस चीज़ को देखते हुए ये इंसिडेंट को ऐसा इमर्ज किया जा रहा है, मतलब ऐसा इमर्ज नहीं करना देना है, ताकि ये एक एक्सप्लॉइटेबल इशू ना बन जाए, मतलब कि एक इसको एक मुद्दा ना बनाया जाए, ठीक है, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया ना कि वन से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे देख लो फाइव है, तो यहाँ पे असेंबलीज हुआ ना, देख लो, हुआ ना, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं।
द यूनियन गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस, देखो फिर आया ना यूनियन गवर्नमेंट का शो कॉज नोटिस का आया, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये देखो ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस टू द चीफ सिक्योरिटी एंड DGP ऑफ पंजाब, जो यूनियन गवर्नमेंट ने शो कॉज नोटिस दिया है, किसको किसको दिया है, टू द चीफ सिक्योरिटी एंड DGP ऑफ पंजाब को, डिमांडिंग डिमांड, देखो फिर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डिमांड से। अब ING क्यों लगा, क्योंकि डिमांड हमारा वर्ब है और सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम इसमें ING लगा रहे हैं। डिमांडिंग और रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स, देखो फिर से 24 आया ना और आवर्स आया, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो उनसे क्या डिमांड किया गया है कि आप एक रिस्पॉन्स दें, कितने घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, इवोक्ड सम रिसेसमेंट फ्रॉम द बेंच, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि एक आराम, मतलब कि एक जो नाराज़गी थी उसे मतलब शांत की, उसे एक, ठीक है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने शो कॉज नोटिस दिया है चीफ सेक्रेटरी एंड DGP ऑफ पंजाब को, जिसमें उन्होंने बोला कि आप 24 घंटे के अंदर एक हमें रिस्पॉन्स दो, इससे क्या हुआ है कि इवोक सम रिसेसमेंट, इसने क्या किया, पैदा किया, इवोक मतलब पैदा करना या फिर होता है ना कि किसी चीज़ को तेज़ कर देना, सम रिसेसमेंट, रिसेसमेंट मतलब नाराज़गी फ्रॉम द बेंच, मतलब बेंच जो बनाई गई है उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देख लो, सम सम आया ना, अब मैं ये देखूंगी कि सम के बाद अगर नाउन मतलब काउंटेबल हो तो हमेशा वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे सम बुक्स, ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर फॉर्म में, जैसे सम वाटर, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हर सेंटेंस को, हर वर्ड को कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करो आप लोग, अगर एरर ये एडिटोरियल आप लोग पढ़ रहे हो तो, ठीक है। इनिशियल इंक्वायरीज ऑर्डर बाय बोथ, अब देखो बोथ जैसे ही मुझे दिखा एक चीज़ मुझे याद आया कि बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होता है। इनिशियल इंक्वायरीज ऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर किया गया है बाय बोथ गवर्नमेंट्स, किसके द्वारा, द्वारा का सेंस आ रहा है इस वजह से यहाँ पे बाय, बोथ गवर्नमेंट्स हैव मतलब जो दोनों गवर्नमेंट है, कौन कौन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हैव बीन पुट ऑन होल्ड, यानी कि जो इनिशियल इंक्वायरीज है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे क्या किया गया है, होल्ड पे डाला गया है। अब देखो बोथ है ना, बोथ यहाँ पे देखो बोथ है ना, गवर्नमेंट्स है ना, इस वजह से यहाँ पे हैब का यूज़ किया गया है, ठीक है। क्यों होल्ड कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक पैनल बना रखा है, इस वजह से होल्ड कर दिया गया है। इसके बाद है, ठीक है, हाउएवर, देखो जब भी हाउएवर होना तो सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। देयर इज समथिंग डिसक्वेटिंग, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है जो क्या है, चिंताजनक है। अब एक चीज़ आया कि जब भी देयर आता है तो हमेशा हम देखते हैं कि उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे अगर प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ठीक है। अबाउट द वे मतलब कि क्या है, थोड़ा सा चिंता है, थोड़ा सा नाराज़गी है, अबाउट द वे मतलब वो तरीका, एन आइसोलेटेड लैप्स इन द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी इज़ बीइंग यूज्ड टू रेज द पॉलिटिकल टेम्परेचर एंड गार्नर इलेक्टोरल डिविडेंड, मतलब कि एक ये चिंताजनक की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कमी की गई है इसे यूज़ किया जा रहा है, किस लिए यूज़ किया जा रहा है, टू रेज द पॉलिटिकल टेम्परेचर, मतलब कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को, यानी कि जो पॉलिटिकल में होता है ना कि तुमने ये किया, इस तरह का टेम्परेचर रेज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देयर इज समथिंग डिस्कंटी अबाउट द वे एंड आइसोलेटेड लैप्स, अच्छा इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है, डैट द अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग BJP टू फिक्स द ब्लेम ऑन द पंजाब गवर्नमेंट, यह बहुत ही दुख चिंताजनक ही या फिर होता है ना अनफॉर्चुनेट, यानी कि बहुत ही ख़राब बात है, दैट द अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग BJP, जो रूलिंग BJP है
वो क्या कर रही है, ब्लेम किसको कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट को एंड द कांग्रेस विच इज हेल्म्स क्या है, विच हेल्म्स इट। ओके, अब हेल्म्स मतलब मुझे नहीं पता, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या है मतलब कि संचालन करना, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर हेल्म्स यहाँ पे यूज़ क्यों किया गया है और इसका मतलब क्या है। ब्लेम ऑन द, अगर कोई सेंटेंस कोई पार्ट समझ में नहीं आया ना, तो उसको दो तीन बार पढ़ना चाहिए। ऑन द पंजाब गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस विच हेल्म्स इट। अच्छा मतलब कि पंजाब गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस विच मतलब जो कि हेल्म सीट, मतलब जो इसको संचालन करती है, किसको संचालन कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट को, इज़ कंटिन्यू मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमिटी टू प्रोब द इंसिडेंट्स। ठीक है, तो मतलब कि इसके बाद भी क्या कर रहे हैं, बीजेपी ब्लेम कर रहे हैं किसको, पंजाब गवर्नमेंट को, जो कि कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो बीजेपी अभी भी क्या कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक कमेटी बना रखी है इसको प्रोब करने के लिए, फिर भी वो ब्लेम कर रहे हैं किसको, पंजाब गवर्नमेंट को। असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा, अब एक चीज़ मुझे याद आया कि असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत बिश्वा। ठीक है, तो ये एक करंट अफेयर्स का पार्ट बन गया। हैज़ मेड सम क्रूड एंड अनवारंटेड रिमार्क्स, मतलब कि उन्होंने एक थोड़ा सा कठिन, कठोर और अनवारंटेड रिमार्क्स, मतलब ऐसी टिप्पणी जो कि जरूरी नहीं है, ऑन हिज पंजाब काउंटर पार्ट, मतलब किसको, उनके जो पंजाब के समकक्ष है, यानी कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन पे उन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही क्रूड और अनवारंटेड, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो रिमार्क, वो टिप्पणी की है। ठीक है, तो पंजाब काउंटर काउंटर पार्ट कौन है, चरणजीत सिंह छन्नी। ठीक है, डिमांडिंग मिस्टर छन्नी अरेस्ट एंड एलिगिंग ए कंस्पिरेसी टू किल द प्राइम मिनिस्टर। अब एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, चरणजीत सिंह छन्नी। ठीक है, आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कीजिए। ठीक है, डिमांडिंग क्या करते हुए, डिमांड करते हुए कि मिस्टर छन्नी को अरेस्ट किया जाए, और एलिग करते हुए मतलब आरोप लगाते हुए कि उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्पिरेसी रची है, यानी कि एक होता है ना कि क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में, चाल चलना या फिर कोई योजना बनाना, किस लिए योजना बनाना, टू किल द प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ क्लियर, या क्लियर है डैट अ डिविजिज इन नैरेटिव इज सॉट टू बी बिल्ड बाई की। तो गाइज ये क्लास 22 मिनट की लगभग हो गई है, बाकी आप लोग पढ़ लेना, दो तीन चार लाइन और हैं। तो अगर आपको ये क्लास कंटिन्यू करनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, बाकी मैं क्लास कैसा ले रही हूँ ये भी बताइएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय गाइज।